ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर 2020 को आने वाली जयंती पर देश के हर जिले के 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने के लिए घोषित स्वामित्व योजना को देश में सबसे पहले हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। ये जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के महासर्वेक्षण लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार के साथ राज्य के डिजिटलाइजेशन मैपिंग व योजना पर हुई समीक्षा बैठक के दौरान दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के महासर्वेक्षण लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार के साथ राज्य के डिजिटलाइजेशन मैपिंग व स्वामित्व योजना पर हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में की। बैठक में मुख्यमंत्री ने सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से आग्रह किया कि जिन विभागों के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना है, चाहे वह विकास एवं पंचायत विभाग हो या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग हो, शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव कार्यालय, सभी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया को हरियाणा सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी और प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर प्रकार का सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों व नगर नियमों की संपत्तियों तथा राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चूना मार्किंग के साथ साथ 30 ड्रोन को अलग अलग स्थानों पर फ्लाइंग के लिए लगाया जाएगा। किलाबंदी के मुरब्बा पत्थरों पर भी कार्य नए सिरे से पूरे देश में किया जाएगा। करनाल, जींद व सोहना शहरों तथा 140 गांवों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य पूरा हो चुका है तथा नरेंद्र मोदी के गांधी जयंती पर स्वामित्व योजना के तहत देश के हर जिले के 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित करने में हरियाणा देश में अग्रणी भूमिका रहेगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा ब्यूरो की खास रिपोर्ट।